নজর রাখবো পরের খবরের দিকে। শহর পরিষ্কারের জন্য এবার হস্তক্ষেপ করতে হলো রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে। কানপুর শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন রয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বেশ কয়েকদিন ধরেই কানপুরের একটি ভ্যাটকে সরানোর জন্য তিনি দুমাস সময় দেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি নগর নিগম আধিকারিক। দেশের জন্য এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে কানপুরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে রাষ্ট্রপতিকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে, আর তাতেও টনক নড়েনি কারো। কানপুরের আজাদ নগরে রয়েছে রামনাথ কোবিন্দের বসত বাড়ি, আর সেখানে থাকতে গিয়ে তিনি দেখেন তার সামনে একটি আস্তাকুড় রয়েছে, সেটিকে সরানোর কথা বলেন। এবং ভ্যাটটি সরানোর জন্য রামনাথ কোবিন্দের বন্ধু অনন্ত ভার্গব অনেক দিন ধরেই আন্দোলন করেছিলেন। यहाँ पे जो कूड़ा घर है उसके लिए बहुत पहले से चल रही थी चीज़ें कि भाई इसको हटाया जाए हटाया जाए हटाया जाए, पर जब चीज़ें हट नहीं रही थी तो उन्होंने लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। 2014 में लोक अदालत से जजमेंट पास हुआ कि आपको तत्काल 90 डेज़ में इसको जो है यहाँ से शिफ्ट करना है, पर उसका भी कोई इनफैक्ट कोई वो रहा है। बाकी अब देखिए यहाँ पे अब राष्ट्रपति जी ने ये बोला है कि यहाँ से हट जाए 60 दिनों में, अन्यथा आप मुझे एक बार प्लीज़ सूचित कीजिएगा। एक जो एक आदेश भी है, एक देश के सर्वोच्च पद से जो आदेश हुआ है उसका हर हालत में हाँ वो तो टाइम बाउंड प्रोग्राम है, उनको दिया गया है। अभी देखिए हमारा टेंडर, जैसे आपसे बताया, प्री बिड मीटिंग हो चुकी है, टेंडर फ्लोट हो गए हैं, और टेंडर जैसे भी फाइनल होंगे और तत्काल उसमें जब फाइनल होते मानी जो है हम उस पर काम शुरू करा देंगे। और 6 जगह बननी है, और 6 जगहों में जो ट्रांसफर स्टेशन बन रहे हैं, तो सारे छोटे छोटे हमारे जितने भी डंप हैं।